किसान साथियों नमस्कार, एक बार फिर से सबको स्वागत है देसी किसान पर। मैं हूं चंदन। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने अपना एक गोट फार्म स्टार्ट किया है अपने घर के पास में ही, जिसका कि नाम हम लोग पूर्वांचल गोट फार्म रखे हैं, और उसका एक सेपरेट यूट्यूब चैनल भी है पूर्वांचल गोट फार्म के नाम से। तो आप लोग वहाँ पर भी जा कर के इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं फार्म कैसे स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे प्रोग्रेस करके कहाँ तक पहुँचा हुआ है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग अपने गोट फार्म पर, अपने पूर्वांचल गोट फार्म पर अपने बकरियों को फीड में क्या देते हैं और कैसे कैसे इसको मिक्स करके देते हैं। खास करके हम लोग अपने यहाँ भूसे का सानी देते हैं। बहुत सारे लोगों का शिकायत होता है कि हमारे यहाँ बकरियाँ जो है कि भूसे की सानी खाती ही नहीं हैं, और जो है कि उनको सूखा चारा देना पड़ता है, फिर चराई पर रखना पड़ता है, इस पर जो कि जो मिक्स दाना होता है, भूसे का सानी होता है, इसमें सेठी नहीं होती है। तो आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से भूसे की सानी को मिक्स करें और क्या क्या मिक्स करें कि आपकी बकरियाँ बड़े आराम से, बड़े चाव से ही उसको खाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस शानदार वीडियो को। तो ये आप लोग पहले देख पा रहे होंगे कि ये मेरे पास ये दोनों फीडर है, और इसमें पहले हम लोग गेहूँ का भूसा लिए हैं। ये भी गेहूँ का भूसा है, ये भी गेहूँ का भूसा है, और इसके बाद इसमें हल्का सा हम लोग पानी डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे थोड़ी देर के लिए। ये देखिए, थोड़ा सा हल्का सा पानी ले लिए इसमें भी दोनों में, और इसके बाद इसको थोड़ा सा इसमें मिक्स कर लेंगे। यदि आपकी भी दोनों को थोड़ा थोड़ा मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा पानी इसमें और ले लेते हैं। इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद आपको आगे दिखाते हैं कि भूसे का, ये जो गेहूं का भूसा है, इसमें पानी मिक्स कर लिए हैं। इसके बाद इस बाल्टी में आप देख पा रहे होंगे सी और सरसों का खल है। सरसों का खल सब जानते हैं, सबके यहाँ यूज होता होगा, यदि गाय भैंस होंगी, बकरी होंगी, सब लोग यूज़ करते होंगे लगभग। और तीसी का खल एक जो मार्केट में आता है, लगभग 70 रुपये के जी मिलता है, पीसा हुआ रहता है, उसको हम लोग यूज करते हैं। तो ये तीसी और सरसों का खल है, इसको हम लोग बकरियों को सानी लगाने से लगभग 3-4 घंटे पहले भिगो देते हैं, क्योंकि शाम को लगभग 4 बजे हम लोग सानी लगाते हैं, तो 12 बजे के आसपास इसको हम लोग भिगो देते हैं, और इसको बराबर बराबर मात्रा में इसको इसमें डाल लेंगे। अब चूँकि हमारे पास में 5 बकरियाँ हैं, तो 5 बकरियों के लिए लगभग 100 ग्राम सरसों का खल और 50 ग्राम तीसी के खल को हम मिक्स किए हैं, तो इसको इसमें डाल देते हैं। अब उसके बाद इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसको खल को भूसे में बहुत अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि यही मेन आहार है, इसी से ही पूरा भूसा जो है कि खाएंगी आपकी जो है कि बकरियां। तो इसको देखिए, हम लोग बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत सारे लोग हम इसके एक इसके बारे में पिछला वीडियो बनाए थे, सेम यही चीज़ दिखाए थे उस वीडियो में पूर्वांचल गोट फार्म पे। उसमें बहुत सारे लोग का कमेंट था कि आपका जो है पानी ज़्यादा हो गया है, भूसा गीला हो गया है। तो आपको हम बता दें, भूसा गीला नहीं हुआ है। जिस टाइप से आज आपको दिख रहा है जितना गीला, उतना गीला उस टाइम पर भी था, और हमेशा हम अपना इतना गीला ही खिलाते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है, यदि आप पानी कम रखेंगे और जो है कि भूसा इसमें एक में एक चिपका नहीं रहेगा, तो उससे एक समस्या तो ये आती है कि जो बकरियां होती हैं भूसे को अपने वैसे मुंह से लगा, जब दाना खोजती हैं, दाना नहीं पाती हैं, इसको मुंह से लगा के फेंक देती हैं बाहर, तो उससे आपका जो है कि फीड नुकसान होगा, आपका चारा नुकसान होगा। यदि इस तरह से मिक्स हो रहेगा, एक में एक भूसा चिपका रहेगा, तो इससे क्या होगा कि आपका जो है कि नुकसान नहीं होगा, आपका जो है भूसा बकरियाँ आराम से खाएँगी और उसको फीडर से नीचे नहीं गिरा पाएंगी। तो इस तरह से जो है कि दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और इतना पानी इसमें यूज करिए कि आराम से पूरा भूसा एक में एक चिपक जाए, जिससे कि अलग अलग न रहें, तो इससे बकरियां आपका नुकसान नहीं करेंगी, उसको फीडर से नीचे नहीं गिरा पाएंगी। ये देखिए, ये देखिए, हम लोग भूसे में पहले पानी डाले, और पानी के बाद सरसों और तीसी का खल जो कि 4-5 घंटे पहले से भिगोया हुआ था, उसके इस भूसे में, उसको इस भूसे में मिक्स कर लिए हैं। इसके बाद हमारा आता है फाइनल स्टेप। अब आप मेरे पास देखेंगे, ये इसमें जो है कि ये चना और अरहर का चूनी है, चना और अरहर का मिक्स चूनी है जो कि मार्केट से लिए हुए हैं। और इसके बाद ये जो है कि गेहूं का चोकर है प्योर, ये देखिए, ये ए ग्रेड का गेहूं का चोकर है। अब इस दोनों को अपने हिसाब से इसमें जो है कि मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद उसको बकरियों को खाने के लिए दे देंगे। बड़े चाव से बकरियाँ इस फीड को खाएँगी। तो चलिए दिखाते हैं पहले इसको कैसे मिक्स करना है। तो पहले हम लोग लेंगे चने को, चूनी को, इसको ऐसे डालेंगे ऊपर से आराम से,
दोनों में बराबर मात्रा में। ये देखिए इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे। इसको बहुत अच्छे से मिक्स नहीं करना है, इसको हल्का सा ही मिक्स करना है, क्योंकि उनको दाना आदि बीच में नहीं मिलेगा, मिक्स होकर बड़ा चिपक जाएगा तो फिर बड़ा नुकसान करते हैं, मुंह से उठा के फेंक देते हैं इसको फीड को। उसके बाद जो है कि अपने अनुसार इस हिसाब से 1 ग्रेड का जो गेहूं का चोकर है उसको डाल लेंगे इसमें। ये देखिए अब इसको भी इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो साथियों इस तरह से ये हमारा बकरियों को खाने के लिए जो है कि भूसा रेडी हो गया है। इसमें देखिए पहले हम गेहूं का भूसा लिए, उसके बाद थोड़ी मात्रा में पानी मिक्स करिए, पानी के बाद सरसों और तीसी का खल जो कि पहले से भिगोया हुआ था उसको अच्छे से मिक्स कर लिए, और इतना अच्छे से पानी मिला के उसको मिक्स करना है कि भूसा एक में एक चिपक जाए आराम से। उसके बाद चना और अरहर का चूनी जो कि मिक्स आता है मार्केट से उसको डाल दिए, और उसके बाद गेहूं का 1 ग्रेड का चोकर इसमें मिला दिए। अब ये बकरियों को खाने के लिए रेडी हैं। आप अपने बकरियों को इस टाइप से देंगे तो बकरियां खा करके आराम से आधे घंटे में रेडी हो जाएंगी, तन जाएंगी। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही शानदार वीडियो गोट फार्मिंग के वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस चैनल के साथ साथ मेरा एक और चैनल है पूर्वांचल गोट फार्म का, जिसपे हमको अपने बकरी फार्म को दिखाते हैं, आप उसको भी सब्सक्राइब करिए और उसका भी घंटी बटन जरूर दबाइए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।